माई न्यू व्लॉग। सो हम आज आ गए हैं फिर से कुछ नया सा खाना खाने के लिए। नया नहीं बोल सकते हैं, बट हम ऐसे चिकन का वीडियो एंड अलग अलग रेस्टोरेंट का वीडियोस बना बना के हमने भी सोचा कि कुछ अलग जाना चाहिए, तो मटन का वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में बहुत कम है, तो सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा स्पेशल जगह जाया जाए जहाँ पर कि मटन आपको बहुत अच्छा मिल सके, क्योंकि मटन सबका बहुत फेवरेट होता है। तो हमने ढूंढ के निकाला है आपके लिए एक नया जगह जो है सरदार जी मटन वाले। ये रेस्टोरेंट बहुत नया खुला है, बहुत नया ओपन हुआ है। एक्चुअली मेरे कॉलेज जाने के रोड में ये पड़ता था, तो मैं रोज़ देखती थी कि मुझे यहाँ पर आना है वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो सुना तो बहुत है यहाँ के खाने के बारे में, तो आज हम खुद भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मटन का ही आइटम्स हम मंगाएंगे एंड आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है, ताकि आप भी यहाँ पर आ सके और मज़ा कर सके। तो पहले तो यहाँ का एक बहुत ही प्यारा सा इंटीरियर बना हुआ है, वो आपको दिखाते हैं, फिर खाना दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। सो ये देखिए गाइस, ये है हमारा सरदार मटन वाला ढाबा। बहुत ही प्यारा सा आपको बाहर का एरिया दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। देख के लग रहा है कि हाँ अंदर जाके तो खाना ही है। ये रांची रामगढ़ हाईवे में सिचुएटेड है, जस्ट आप BIT मिश्रा क्रॉस करेंगे उसके आगे ही ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं कैसा है इंटीरियर। तो ये एंट्री के साथ ही आपको यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स कुछ मिल जाएंगे, जो कि चेयर में बना हुआ है। बहुत प्यारा सा एरिया है, रात में और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए कितना क्यूट क्यूट सा ऐसे शोपीस जैसा बना हुआ है, बहुत ही सही लग रहा है। और ये बहुत ही बड़ा सा सरदार जी का फोटो बना हुआ है, जो कि हमारे सरदार जी मटन वाले को डिनोट किया जा रहा है। और ये बहुत प्यारा सा फाउंटेन बना हुआ है गाइस, देखिए इट इज़ रियली वेरी नाइस, मशरूम शेप्ड का है। और अब चलिए अंदर चलते हैं। अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है, लाइट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, रात में सच में इसका लुक बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। एंड पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये पिक्चर बहुत सही लग रहा है, इट इज़ गिविंग दैट वाइब, अच्छा लग रहा है। और ये वाला देखिए, ये मेरा अभी तक का सबसे मस्त वाला मेरे को लग रहा है, इतना ज़्यादा कलरफुल यहाँ का वाइब दे रहा है, एकदम स्वैग सरदार जी वाला वाइब दे रहा है, मज़ा आ गया। अब बस खाने का वेट कर रहे हैं कि कैसा आएगा। ये आप पिलर्स भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसमें डिज़ाइंस बना हुआ है। सो मुझे तो अभी तक का बहुत पसंद आया यहाँ का सब चीज़। अब खाना में हमने ऑर्डर किया है मटन करी, जो कि हम चावल के साथ खाएँगे, एंड मटन भुना वो हम रोटी के साथ खाएँगे। तो दोनों ही टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। तो खाना आता है ना, आपको दिखाते हैं। गाइस हम आए हैं यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो उनका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या हुआ भैया? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, तो ये कितना दिन हुआ है इसे ओपन हुए? ये 11 जुलाई 2023 को, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लगभग 3 महीने, 3.5 महीने ही हुए ओपन हुए। अच्छा, 3.5 महीना ही हुआ है इसे जस्ट ओपन हुए, ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये जो नाम है सरदार जी मटन वाले, बहुत ही यूनिक सा नाम है, तो क्या सोच के आपने, मतलब दिमाग में क्या आया होगा कि ऐसा नाम रखा जाए, कुछ आइडिया? क्या हमारे ओनर जो हैं वो सरदार जी हैं, तो वो सोचे कि क्यों ना हम अपने ही कौम को लेके नाम रखें सरदार जी मटन वाले, बस यही है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सरदार लोग मतलब कि खाने में बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और उनका खाना भी बहुत सही होता है, तो क्या वो वाला टेस्ट हमें यहाँ पर मिल पाएगा? जी बिल्कुल, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, वही फीलिंग आएगी आपको, तभी तो इसका नाम हमने सरदार जी मटन वाले ही रखा है। मतलब कि खा के एकदम ऐसा बुर्रा हो जाएगा ना। चलिए तो देखते हैं टेस्ट, भैया बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आएगा, तो लेट्स सी, वेट फॉर द टेस्ट। हमारा खाना आ गया है, ये है मटन भुना, ये है मटन करी, ये है तवा रोटी, एंड ये है हमारा राइस। तो सबसे पहले हम भुना मटन को लेते हैं, देख सकते हैं बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने डेकोरेट करके दिया है और पीस बहुत ही बड़ा है, तो इसे लेते हैं और थोड़ा सा जो भुना मसाला है उसको लेते हैं एंड रोटी से इसे ट्राई करके देखते हैं। स्मेल तो बहुत ही सही आ रहा है गाइस, मैं आपको दिखा दूँ इसका पीस कैसा है, थोड़ा सा जूम कीजिए कैमरा को इधर, कैन सी गाइस बहुत अच्छे तरीके से ये सीज गया है। तो इसे लेके इट इज़ नाइस, मेरे को जनरली बाहर का मटन पसंद नहीं आता है, बट इट इज़ रियली नाइस, बहुत टेस्टी है, मसाले बहुत अच्छे से भुने हुए हैं, बहुत अच्छा। रोटी हमने खा लिया है, अब बारी है हमारा मटन करी टेस्ट करने का, जो कि हम राइस के साथ खाएंगे। तो राइस को सर्व करते हैं, मेरे को रोटी से ज़्यादा राइस पसंद है गाइस, बिकॉज आई एम भेतो बंगाली, मेरे को चावल के बिना ऐसा खाना हजम नहीं होता है। तो राइस ले लिया है एंड अब ग्रेवी इसमें डालते हैं, देख सकते हैं ग्रेवी कितना सही कलर आया है,
से ऊपर में ऐसे करके ग्रेवी और थोड़ा सा तेल एंड अ पीस, और अब इसे करते हैं टेस्ट। थोड़ा सा मटन का पीस लेंगे, ये भी बहुत अच्छे से सीज गया है। टेन ऑन टेन, बैंग ऑन, बहुत ही सही। मतलब जो नाम है ना सरदार जी मटन वाले, पूरा पूरी जस्टिस कर रहा है इसके साथ, बहुत सही है। गाइस आप जस्ट विजिट हियर एंड टेस्ट इट एंड मुझे बताइए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। मटन करी तो एकदम मस्ट ट्राई वाला आइटम है, जस्ट टेस्ट इट, एक नंबर। सो गाइस देसी भाषा में अगर बोला जाए तो जिसको जिसको मटन भात, ठेठ भाषा में बोल रहे हैं मटन भात खाने आना है, वो यहाँ पर सरदार जी ढाबा में आए एंड खाए। दिल अगर खुश नहीं हो गया ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है, आ जाइए बस यहाँ पर, बहुत मस्त बनाया है। टेस्ट मासूम सिंह, मस्त टेस्ट है। मुन्ना भैया के बाबू की त्रिपाठी जैसे ठोक के खाते थे वैसे अभी खाने वाले हैं इसको, एक नंबर मजा। नल्ली नल्ली को यस, ये देखिए बहुत ही मस्त पीस मिला है एकदम, और एकदम देहाती मटन है, खा के बता दे। और सीजा बहुत अच्छा है, सीजा भी है क्या विपुल भैया? नाइस। सो गाइस हमारा खाना हो गया एंड इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा ना सच में। मटन आज तक बाहर जितना भी जगह हम खाए, हम जनरली हम खाते नहीं है, बट जितना भी जगह खाए हैं अभी तक का सबसे बेस्ट टेस्ट रहा है मेरा। एंड इतना ज़्यादा खा लिया कि आई नीड दिस हजम करने के लिए। तो यस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बिल आप लोग यहाँ पर आकर के पता कर लीजिए कि कितना का मिलता है, आप ज़रूर आइए यहाँ पर विज़िट कीजिए, क्योंकि मटन खाने वाले बिल नहीं देखते हैं, दिल देखते हैं। और आइए एकदम ऑफर टेस्ट है गाइस, रीजनेबल प्राइस है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू।